तो अपन लोग जो देखते हैं वो हीरोंस फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है उसको देखेंगे। हालांकि हीरोंस फार्मूला के बारे में क्लास 9 में पढ़ना है लेकिन उसमें प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे ये 9th 10th के सिलेबस से अलग नॉलेज के लिए कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हीरोंस फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि हीरोंस फार्मूला स्पेशली एस्केलेन ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। दैट मींस ए ट्रायंगल व्हिच नॉन साइड्स आर इक्वल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। चलिए सबसे पहले एस्केलेन ट्रायंगल का हम फिगर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एस्केलेन ट्रायंगल। एबीसी क्या हो गया? एस्केलेन ट्रायंगल हो गया जिसका कोई भी साइड इक्वल ना होता है। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं हियर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ओके चलिए देखते हैं, लेट ए बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू बी एंड ए सी इक्वल टू सी। हम मान लेते हैं जो अदर तीन साइड है, थ्री डिफरेंट लेंथ को हमने क्या किया यहां पे लेट कर लिया। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, ए है, ये क्या हो गया बी है और ये क्या हो गया सी है। ओके अब क्या है कि जब हम ट्रायंगल करते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके तो हाइट यहां पर अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और हाइट जानते हैं स्टेट डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, ए टू बेस, और ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। स्ट्रेट जब भी होगा लाइन तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनाएगा, और ये मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देखें कि ये क्या हो गया, हाइट हो गया। ओके ये हाइट हो गया और यहां से हमने ए बी क्या किया, हाइट ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं आगे कि जब ए बी हाइट ड्रॉ हुआ तो बी सी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नहीं टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमने माना, क्या माना, कि अगेन लेट बी डी इक्वल टू एक्स। जब बी डी एक्स माने तो यहां से सी डी क्या हो गया, बी सी माइनस बी डी। That means क्या हो गया यहाँ से, BC क्या है A minus और BD क्या है X। तो यहाँ से CD क्या हो गया, यहाँ से CD हो गया A minus X, A minus X। चलिए अब सब साइड तो आ गया। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जब हाइट ड्रॉ किए तो ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो हम दोनों ट्रायंगल का कंडीशन निकालेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे जहां से हमें हीरोंस फार्मूला आ जाएगा। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, हियर एस इज द हाफ पेरीमीटर मीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एस क्या मान लिए, हाफ पेरीमीटर। एस क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को दो से भाग कर देंगे तो हाफ निकल जाएगा, नहीं तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, नहीं तो पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, और एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। और यहां से हमें एक कंडीशन आ गया, टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि जो दो ट्रायंगल है, कौन दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, नहीं तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। और जब राइट ट्रायंगल हो गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, यहां से क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मींस AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर जो BD का स्क्वायर के इक्वल हो गया, BD के स्क्वायर के इक्वल हो गया।
तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो क्या हो गया बी जी स्क्वायर। यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है एच स्क्वायर, और प्लस बी जी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अब हम जो है एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसलिए एक्स इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी निकाल लिया है और एक्स को भी निकाल लिया है। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एडीसी एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, वही है हाइपोटेनस का स्क्वायर, That means AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया AD का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर क्या है B स्क्वायर इक्वल टू AD, AD क्या है H स्क्वायर, और DC क्या है A माइनस X का होल स्क्वायर। थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल आसान है और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से क्या निकल गया B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर जो ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स का यहाँ पे वैल्यू देंगे बैठाएंगे पुट करेंगे, ठीक है, तो लिखे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जो ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस टू ए एक्स का वैल्यू क्या है रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू ए रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, चूंकि माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसे हम इधर लेके चले जाते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में है तो घट जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से क्या करेंगे दोनों तरफ बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो चलिए देखते हैं टू ए रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दे दोस्तों। अब यहां से क्या आएगा, अब यहां से आएगा 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब देखते हैं यहां से 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं दोस्तों इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो गया 4ac, मतलब इसको 2ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर 4, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर और सॉरी दोस्तों ये माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर, साइड चेंज करेगा तो क्या आएगा फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां से क्या आ गया फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये गिफ्ट किस फॉर्मूला पे आ गया, मान लेते हैं टू ए सी को एक्स, ठीक है टू ए सी को क्या मान लिए एक्स, तो x का होल स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को क्या मान लिए y, ठीक है तो ये क्या आ गया y का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का x प्लस y इनटू x माइनस y, और इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड टू ए सी माइनस यहाँ पे मंथली ब्रैकेट दे दें, ठीक है कर्ली ब्रैकेट, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से क्या आ गया
4a² h² इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 2a² + c² + 2ac, आप जानते होंगे a प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + c² + 2ac होता है -b² ये इधर आ गया और यहां पे क्या हो गया 2ac, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² - c² और क्या आ जाएगा +b². फिर यहां से चलते हैं 4a² h² की तरफ और यहां से a² - मतलब x² और -y² का फिर फॉर्मूला आ गया, तो ये क्या करेंगे a + c + b मतलब x + y और x - y, ठीक है, और इसी करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, यहां से क्या आ गया b² और माइनस अगर कॉमन ले लिए तो a² + c² + और प्लस वाला टर्म क्या हो गया माइनस, ठीक है। फिर क्या करेंगे 4a² h² इक्वल टू क्या आ जाएगा a + c - b और ये क्या आ जाएगा इनटू में ही है तो ये क्या आ जाएगा b² माइनस, यहां देखिए a² + c² - 2ac क्या आ जाएगा a - c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहां तक आ गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और क्या करेंगे हम पहुंच जाएंगे कहां पे, ठीक है, यहां पे। तो आप पहले इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, ये तो लास्ट वाला बचा था नहीं, अब देखते हैं इसको करते हैं तो क्या आ गया फिर से 4a² h² इक्वल टू क्या आ गया a + b + c और इसे क्या लिख सकते हैं a - b + c, ठीक है, और ये क्या आ गया b - एक बार माइनस करेंगे तो -a + c और एक बार करेंगे प्लस तो ये तो प्लस में रह जाएगा और माइनस वाला माइनस में रह जाएगा, ये चार टर्म हमारा आ गया 4a² h² का वैल्यू क्या आ गया b² मतलब x² - y² का फिर टर्म आ गया नहीं आ गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं a + b, तो क्या होगा एक बार लिखेंगे b + a - c और एक बार लिखेंगे b - a - c, तो यहां से b + a - c जो कि यहां पे लिखे हैं और यहां पे क्या आ जाएगा b - a + c जो कि यहां पे लिखे हैं b - a + c। अब इसे क्या करते हैं इरेज करते हैं और अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से आप देखिए दोस्तों क्या आ गया 4a² h² इक्वल टू क्या आ गया a + b + c इसको 2s यहां से लीजिए, ये क्या आ गया 2s। अब इसे क्या लिख सकते हैं a + b + c - 2b लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं यहां पे क्या लिख सकते हैं कि a + b + c - 2b, अब देखिए b और -2b - b हो जाएगा, यहां पे क्या है a + b + c और -2a लिख दें तो b + c तो प्लस में ही है और ये क्या आ जाएगा -2a और +a - a और फिर इसको a + b + c - 2c लिख दिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि c और -2c क्या आ गया माइनस। अब यहां से h² निकालते हैं, अब यहां से क्या निकालते हैं h² 2s ये क्या आ जाएगा 2s - 2b, ये क्या आ जाएगा 2s - 2a और ये क्या आ जाएगा 2s - 2c, चूंकि a + b + c का वैल्यू यहां पे दिया गया है और यहां से और 4a² को जब इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा 4a² y आ जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा और यहां से h = क्या आएगा √, ठीक है, देखिए 2s - 2a को पहले लिख लेते हैं, 2s - 2b को उसके बाद लिख लेते हैं और 2s - 2c को लिख लेते हैं by 4a² और यहां से h = क्या आ गया, ध्यान दें इससे 2 निकलेगा 2 × 2 = 4, इससे 2 निकलेगा कॉमन आएगा 4 × 8 और इससे भी 2 निकलेगा तो 8 × 16 क्या आ जाएगा 16s - a - s - b - c by 4a² और यहां से h = 16
रूट 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और बाकी रूट में ही रह जाएगा s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। और रूट 4 a स्क्वायर, रूट 4 का वैल्यू 2 और a स्क्वायर से क्या आ जाएगा a, ये कट गया और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 2 बाय a रूट अंडर s इनटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये आ गया हाइट। मतलब इतना जो नाटक हुआ वो क्या निकालने के लिए हुआ, हाइट निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन नाटक करना पड़ता है नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ, बेस क्या है ए, बेस क्या है ए, और हाइट यहाँ पर आपको बताए एच, एच क्या है 2 बाय ए रूट अंडर s, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या, आइसोस्केलियन ट्रायंगल है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया रूट अंडर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे, वेयर s इक्वल टू क्या है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, जिसे हम हाफ पेरीमीटर कर लेते हैं। यही होता है दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको आप लिखते हैं हीरोंस फॉर्मूला, हीरोंस फॉर्मूला, और हीरोंस फॉर्मूला क्या हो गया, यही रूट अंडर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी स्क्वायर यूनिट, ये एरिया निकालते हैं। तो आप देखें कि किस तरह आपने इसको क्या किया, प्रूव किया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। रही बात कैलकुलेशंस की, तो दो बार आप देखेंगे तो कैलकुलेशंस को एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस